जैसा कि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाला है, तो इसके लिए हम बनाएंगे केले का मोदक गणपति बप्पा को प्रसाद चढ़ाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। केले का मोदक बनाने के लिए हम 3 केला लिए हैं और 1 कप हम सूजी लिए हैं और 1/2 कप हम शुगर पाउडर लिए हैं और 2 टेबल स्पून हम घी लिए हैं और 1/4 चम्मच हम मावा लिए हैं। 1 टेबल स्पून हम कोकोनट पाउडर लिए हैं और इलायची पाउडर लिए हैं, ये भी 1 टेबल स्पून है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स है और रूह अफ़ज़ा लिए हैं और मोदक बनाने का सांचा लिए हैं, ये इस तरह का होता है, बाज़ार में मिलता है। सबसे पहले हम केला लेंगे और इसे हम छील लेंगे और इसे मिक्सी के जार में डाल के हम इसे पीस लेंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे और इसमें हम घी को डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। घी अब गर्म हो गया है तो इसमें हम ये सूजी है इसे हम डाल के और भून लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई में रखेंगे और इसे हल्का ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। देखिए धीरे धीरे अब कलर चेंज हो रहा है, सूजी का कलर अब चेंज हो गया है। इसमें अब हम शक्कर डालेंगे, ये जो पाउडर है, और डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम अभी हम एकदम से स्लो कर देंगे। शक्कर अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसमें अब हम मावा डाल देंगे और ये कोकोनट पाउडर है इसे भी डाल देंगे और ये इलायची पाउडर है इसे भी डाल देंगे और सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस के फ्लेम को हम लो रखेंगे और ये जो केला है इसे हम पीस लिए हैं, अब हम इसे सूजी में डाल देंगे और डाल के इसे अब हम मिक्स करेंगे। इसमें हम फूड कलर डाल दिए हैं येलो कलर का। देखिए अब ये तैयार हो गया है, इसे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। सामग्री अब ठंडा हो गया है। एक मोदक बनाने का सांचा लिए हैं तो इसे हम इस तरह से खोल लेंगे और खोल के इसमें हम घी लगा दिए हैं और फिर इसे हम बंद कर देंगे। अब हम ये सामग्री लेंगे और सांचे में इस तरह से हम डाल देंगे। अब हम इसमें होल कर देंगे, तो उंगली से इस तरह से हम होल करेंगे और इसमें हम ये जो चॉकलेट है इसे इस तरह से डाल देंगे और इसे दोबारा से बंद कर देंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए बहुत अच्छी तरह से ये बंद हो गया है। अब दोबारा से हम दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे। इसमें अब हम बादाम को डाल देंगे और दोबारा से इसे बंद कर देंगे। अब हम इसमें काजू डाल देंगे। अब ये जो रूह अफ़ज़ा है इसमें हम डालेंगे
और फिर इसे हम बंद कर देंगे। हमारा केले का मोदक बनके तैयार है। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप भी इसे बनाएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सजेशन देना ना भूलें।